मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के पहले दल बदल का दौर जारी है। कभी इस दल बदल में कांग्रेस आगे निकल जाती है तो कभी बीजेपी बाजी मार ले जाती है। एक दिन भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड के सागर जिले में कांग्रेस का बड़ा झटका दिया। इसके बाद कल देर शाम बीजेपी ने कांग्रेस बड़ा झटका दिया है। दमोह जिले के दिग्गज नेता राघवेंद्र सिंह लोधी 5 साल बाद वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद के समक्ष राघवेंद्र सिंह लोधी ने घर वापसी कराई गई। आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में दमोह जिले की जबेरा विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से राघवेंद्र सिंह लोधी नाराज हो गए थे और वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। राघवेंद्र सिंह पिछले विधानसभा के समय जबेरा विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी जगह पार्टी ने धर्मेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। पार्टी से बगावत कर राघवेंद्र सिंह भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे। उस चुनाव में राघवेंद्र को 21,751 वोट मिले थे। टिकट ना मिलने से नाराज राघवेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मेरा टिकट सिर्फ और सिर्फ सांसद की वजह से काटा गया है। मैं उनको बताना चाहता हूं, तुम सांसद बने हो तो जनता की वोट और जनता की ताकत से बने हो, तुम सिर्फ जाति और भाग्य की राजनीति करने वाले नेता हो। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। यही कारण है कि पार्टी ने कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी को डर है कि वे भीतरघात के कारण कहीं पीछे ना हो जाएं। इसी कारण राघवेंद्र सिंह को वापस पार्टी में लाया गया है। राघवेंद्र सिंह लोधी को पार्टी में लाने के पीछे बीजेपी की लोधी वोटों पर खासी नजर है।